हरियाणा के सीएम हिसार में आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगे, साथ ही प्री बजट विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों के साथ भी मंथन उनकी ओर से किया जाएगा। आपको बता दें कि तीन दिन का उनका कार्यक्रम है। प्री बजट से पहले उद्यमियों से मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि उद्यमियों की जो समस्याएं हैं अगर उन्हें दूर कर लिया जाए तो जो उद्यमी है वो रोजगार देने में सक्षम हो जाएंगे, हरियाणा के लोगों को और भी ज्यादा रोजगार मिलेंगे। प्री बजट से पहले की तैयारियां की जा रही है। सबसे पहले पानीपत में सीएम मनोहर लाल गए थे, वहां के जो उद्योगपति हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, जो तमाम समस्याएं हैं वो उन्होंने सामने रखी, जैसे कि जो पॉलिसी है उनको क्या कुछ किया जाए, कैसे बदलाव उसमें किया जाए। फिर कल फरीदाबाद गए थे और आज आपको बता दें कि हिसार के इस दौरे पर रहने वाले हैं और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जिस पर आज नजर रहेगी खबरें अभी तक की, और ये है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दौरा। गुरुग्राम रहने वाले हैं, डिप्टी सीएम बनने के बाद से लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दौरा कर रहे हैं, गुरुग्राम पहुंच रहे हैं। यहां पर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ बैठक करेंगे। 11 बजे PWD रेस्ट हाउस में ये बैठक होगी। और जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गए, लोगों से मुलाकात की, कई दौरे किए, उसी फेरिस में गुरुग्राम के इस दौरे को भी देखा जा रहा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वो कौन सी खबर जिस पर रहेगी हमारी नजर? कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आज तीसरा दिन है और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह यहां शिरकत करेंगे। 18 जनवरी को आपको बता दें कि प्रतियोगिता का समापन होगा। 20 राज्यों की टीम यहां प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है, तो ये भी एक आज खबर है जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि कई 20 राज्यों की टीमें यहां पर पहुंची है और बड़े रोमांचक तरीके से यहाँ पर जो सारे खेल है वो खेले जा रहे हैं। समापन जो होगा तब के लिए भी तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही है, लेकिन आज खास है कि खेल राज्य मंत्री यानी कि संदीप सिंह यहां पर पहुंचेंगे और हौसला अफजाई करेंगे यहां पर खिलाड़ियों की। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं जिस पर आज नजर बनी रहेगी। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, आज नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी। अजय भट्ट संभाल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, यही खबरों में निकलकर सामने आ रहा है। तो आज इस खबर पर नजर बनी रहेगी और जानने का प्रयास रहेगा, तमाम खबरों से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और अब अगली खबर का भी हम रुख करते हैं। अगली खबर 16 जनवरी को जयराम सरकार की कैबिनेट बैठक में सीएम की अध्यक्षता में 11 बजे बैठक रहेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लक्ष्य को लेकर मंथन किया जाएगा और विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भी चर्चा की संभावना है। कई सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने पर भी फैसला इस दौरान किया जाएगा।